नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा मैथ का, वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सीखने के लिए पहले कुछ बातें सीखनी ज़रूरी हैं, जैसे कि एक टर्म होता है मूलधन। मूलधन जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें दूसरी बात आती है वो है समय। समय जिसे इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद होती है दर, जितने परसेंट दर पर ब्याज दिया जाता है, दर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता है ब्याज जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट। तो जब इसका फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला से जब क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें होता है साधारण ब्याज आई बराबर मूलधन यानी कि पी गुणा दर आर गुणा समय टी बटे 100। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। तो क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन जब कभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे हों, तो एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूले से ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चंस आपके बिना फॉर्मूले के भी हो जाते हैं, उन्हें भी मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक या दो क्वेश्चन करते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपको है, कोई क्वेश्चन है 10,000 का 20% ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मूलधन है पी, वो हो जाएगा 10,000। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि 10,000 का 20%, तो दर है जो आर, वो हो जाएगी 20%। और पूछा है कि 5 वर्ष में, तो समय हो गया 5 वर्ष। और इसमें पूछा गया है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो आई जो कि पूछा गया है। अब यहाँ पर आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ पर जब ब्याज निकालेंगे, तो मूलधन हो गया आपका 10,000 गुणा दर हो गया 20 गुणा समय हो गया 5 बटे 100। यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे 2 जीरो कट होने के बाद, तो आपका जो टोटल ब्याज आएगा वो आ जाएगा 10,000 रुपये। तो ये बहुत ही सिंपल हुआ, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सवाल है। अभी इसमें एक और बात आती है, आपको मूलधन मालूम है, समय मालूम है, दर मालूम है, ब्याज मालूम है। इसके अलावा एक और टर्म होता है, वो होता है मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है, जब किसी आदमी को कोई रुपए जब उधार दिए जाते हैं, तो वो होता है मूलधन, जितने रुपए उधार दिए हैं, उसके बाद उस पर लगता है ब्याज। तो जब वह लौटाता है, तो उसे बोलते हैं मिश्र धन। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो क्या होगा, पी प्लस आई। मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देते हैं, तो वो होता है मिश्र धन। इसी सवाल में अगर ऐसा होता कि 10,000 का 20% ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा और कितना मिश्र धन होगा, तो यहाँ पर मिश्र धन कैसे निकालेंगे। मिश्र धन के लिए आप 10,000 प्लस 10,000 और कर देंगे, उतना ही ब्याज हो गया, उतने ही रुपये उसने उधार लिए थे, तो टोटल 20,000 हो जाएगा मिश्र धन। तो ये तो हो गए थे नॉर्मल क्वेश्चन, जो कि आपके फॉर्मूला से भी बड़े आराम से निकल आते हैं और सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं, जब ब्याज और मिश्र धन। अभी आगे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें पहले। कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दर तो दे दी है, आर आपकी दे दी है 10%, लेकिन आपके पास बाकी कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचना होगा। तो सबसे पहले ये दर को भूल जाइए, पहले ये देखिए इसमें बोला क्या है कि कितने वर्षों में दोगुना होगा। पूछा गया है टाइम, तो टी आपको निकालना होगा, दोगुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अभी जो मूलधन है, यानी कि कोई जो धन है, वो कितना है, एक्स है। और कितना हो जाएगा वो, कितने समय के बाद, ये पूछा ही है, तो कितना हो जाएगा जब, तो वो हो जाएगा मीन्स मिश्र धन दोगुना, टोटल मिला के दोगुना हो जाएगा। तो मिश्र धन जो हुआ, वो मिश्र धन हो जाएगा 2x। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 2x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा x। तो यहाँ पर आपका ब्याज आपको मालूम चल गया x।
अभी यहाँ से आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, ब्याज बराबर समय गुणा मूलधन गुणा दर बटे 100। तो ब्याज कितना है x, बराबर मूलधन कितना है x, गुणा दर कितनी है 10%, निकालना क्या है हमें टाइम बटे 100। तो यहाँ से अभी आप इसको देखेंगे, ये x से x कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 इधर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा t बराबर x, यानी कि सॉरी t बराबर 10, यानी कि जो समय है वो भी 10 वर्ष होगा। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने होंगे। फॉर्मूला तो आपका लगेगा, लेकिन फॉर्मूले में जो जो चीज़ें चाहिए होंगी पहले वो आपको निकालनी होंगी, पी आर और आई, ये निकाल लेंगे तो उसके बाद सीधे फॉर्मूले में उनको रखने के बाद हम आंसर निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी सबसे पहले आप देखिए, धीरे धीरे इन क्वेश्चन को पहले आप इस तरीके से लिखिए जैसे मैंने बताया था, दर वगैरह सब निकाली थी, बाद में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने दिमाग से ही इनको याद कर लेंगे। तो कोई धन 15 वर्षों में अपना दोगुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पूछा क्या है यहाँ पर, दर, दर को हम आर से लिखते हैं, सबसे पहले आर के आगे क्वेश्चन मार्क। कोई धन 15 वर्षों में अपना दोगुना, तो मान लीजिए वो धन कितना है मूलधन, वो है एक्स, समय कितना दिया है 15 वर्ष, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा अपना दोगुना, यानी कि एक्स की जगह पर 2x हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको जब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकालना होगा तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x। अब उसी फॉर्मूले में रख देंगे, मिश्रधन मीन्स ब्याज x बराबर मूलधन x गुणा दर निकालनी है हमें गुणा समय 15 वर्ष बटे 100। यहाँ पर x से x कट गया तो r बराबर हो गया 100 बटे 15। तो जब यहाँ पे आप 15 का 100 में भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6.3%, ये हो जाएगी आपकी दर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही जैसे थे, आपको ये वाले क्वेश्चन अब आएंगे तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पहले एक दो बार बड़े अच्छे से पढ़ें जिससे आपको मालूम चल जाए कि क्वेश्चन ने ही आपको हिंट दी होगी। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन इस क्वेश्चन की वर्डिंग पर थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन में काफ़ी चेंज है। क्वेश्चन है कि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं का दोगुना ब्याज देगा। इस चीज़ को याद रखें, यहाँ पर यहीं तक पढ़ के ना छोड़ दें कि स्वयं का दोगुना हो जाएगा, जबकि इसमें लिखा है कि स्वयं का दोगुना ब्याज देगा। तो सबसे पहले देखें पूछा क्या है, पूछा है कितने वर्षों में, तो यहाँ पर सबसे पहले टी बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लें, दर दी हुई है आर, हो जाएगा 10%। कोई धन, तो धन को हमें मानना पड़ेगा, मान लिया जो धन मूलधन है वो है एक्स, और दोगुना ब्याज देगा, स्वयं का दोगुना अगर ब्याज देगा तो x है तो ब्याज हो गया इसका कितना 2x, और यहाँ पर मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो गया यानी कि टोटल जो वापस करेगा वो हो जाएगा 3x। अभी आपको निकालना क्या है कि कितने वर्षों में, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा दें, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज कितना है 2x, x मूलधन हो गया, दर 10 हो गई, समय निकालना है बटे 100, 10 का इधर गुणा हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 20, और t समय है तो 20 वर्ष हो जाएगा इसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20 वर्ष। यानी कि अगर कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए तो वह कितने वर्षों में, 20 वर्षों में स्वयं का दोगुना ब्याज दे देगा। यहाँ से अगर आपको मिश्रधन पूछा जाता है तो मिश्रधन आपका कितना है 3x, अभी आपको यहाँ से 3x भी निकाल सकते हैं, मिश्रधन भी निकाल लेंगे, तो इस तरीके से मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में दोगुना तथा 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ें, इतने क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे,
क्योंकि क्वेश्चन आप यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ब्याज निकालना है तो ब्याज का फॉर्मूला याद है आपको। ब्याज का फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर समय गुणा मूलधन गुणा दर बटे 100। तो पूछा गया है क्या? ब्याज की दर यानी कि आर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो पूछा गया है आर, आर क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद कोई धन है, तो कोई धन यानी कि मूलधन को हमने एक्स मान लिया। समय दे दिया है आपके लिए 5 वर्ष। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में 2 गुना और 10 वर्ष में 3 गुना यानी कि 2 गुना हो जाता है खुद का। तो कहने का मतलब है कि मिश्र धन है वो कितना हो गया? वो हो गया 2x यानी कि 2 गुना हो गया। अभी इसमें 2x कब होगा? जब इसमें मूलधन में ब्याज लगाया जाएगा। तो यहाँ से ब्याज कितना आ गया? ब्याज हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि एक्स। अब यहाँ से आप निकालिए मिश्रधन ब्याज वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो एक्स बराबर यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमें निकालनी है समय बटे 100। तो यहाँ पर आपने देखा इस क्वेश्चन को भी घुमा करके इसी फॉर्मूले पर लेके आए। पहले इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें आ रही थी उन्हें निकाला, उसके बाद फॉर्मूले में रख दिया। अभी यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स से एक्स कट हो जाएगा, 5 से 100 हो जाएंगे 20 बार कट। तो यहाँ दर आ जाएगी 20%। तो आंसर तो आपका यहीं से आ गया, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि अगर 5 वर्ष में 20% ब्याज की दर से हो रहा है ये डबल, तो 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले में जब इसको रखेंगे तो आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आपको इसलिए दिया जाता है जिससे जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को देख करके थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहीं से आ गया, आर बराबर 20%। इसी तरीके के और क्वेश्चन हैं जो साधारण ब्याज के और भी दूसरे मेथड के हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।